नमस्कार फ्रेंड एंड वेलकम टू चैनल शशि टू एक्सप्लोर और मैं हूँ आपका होस्ट शशि। तो आज मैं वापस एक ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली आज का ट्रैवल व्लॉगिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम लोग मेरा पहला एपिसोड जिन लोगों ने देखा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग एक शंकर का वी कैन से द होम स्टे है वहाँ पे खाना खाने के लिए गए थे। तो आज मैं सिर्फ शंकर का होम स्टे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हम लोगों को नॉनवेज फूड मिलेगा। तो ये जो ब्लॉग है ये मैं फूड के ऊपर करने जा रहा हूँ जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो शंकर है वहाँ पे वो प्रिपरेशन कैसा करता है और उसका खाना कैसा मिलता है। तो अभी ये जो शंकर का जो होम स्टे है ये अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम नासिक है ऑन द वे ऑफ जवाहर रोड। तो मैं आपको डिटेल उसका फ़ोन नंबर और ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी आप देखिए कि हमारा जर्नी टूवर्ड द शंकर होटल। चलो फिर शंकर के होटल पे जाने के बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। तो फिर बाय बाय। तो फ्रेंड अभी ये जो है ये हम लोग अभी नासिक से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 32 किलोमीटर्स के आसपास एक अम्बोली करके विलेज है वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है टूवर्ड्स जवार ये बहुत ही सीनिक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिए। ये वीडियो जो है ये जो जर्नी है अप टू अम्बोली विलेज ये आप रियली एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाजू में पूरा ग्रीनरी है। आगे जाके आपको ऐसे ऐसे पहाड़ दिखेंगे जहाँ पे आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी ये जो रोड है ये बहुत ही सीनिक रोड है जिसके ऊपर आप ड्राइविंग जो है वो रियली एंजॉय करेंगे। तो एक्चुअली ये जो रोड है इट इज़ रियली गुड फॉर इवन साइकिलिंग ऑल्सो। तो आप अगर सुबह सुबह 5:30-6 बजे के आसपास अगर यहाँ पे साइकिलिंग के लिए आते हो ना तो आई कैन से रियली यू विल एंजॉय एंड दैट टू इन द यू कैन से रेनी सीजन और इन द विंटर सीजन। ये जो साइकिलिंग का है यहाँ पे एक्चुअली जो साइकिलिंग का जो एक क्लब है नासिक साइकिलिस्ट करके तो वो सब साइकिलिस्ट है और जो सैटरडे संडे के दिन यहाँ पे तो उनका एकदम भीड़ लगा रहता है। हम लोग भी यहाँ पे साइकिलिंग के लिए आते हैं और साइकिलिंग फ्रॉम नासिक टू त्र्यंबकेश्वर इट इज़ ऑलराउंड वी कैन से 2 and 4 59 किलोमीटर। तो 59 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद है ना आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। साइकिलिंग करने के बाद एक इन द रिटर्न जर्नी वी कैन हैव योर टी एंड सम स्नैक ऑल्सो। तो रियली ये जो रोड है ये आप जो अभी आप सामने देख रहे हो जो पहाड़ है ना वो अंजनेरी का ये है। तो उसके ऊपर ट्रेकिंग करने के लिए आपको एकदम व्हाट वी कैन से एकदम अल्टीमेट मज़ा आता है यहाँ पर ट्रेकिंग के लिए। और मैं ट्रेकिंग के लिए एक टिप देता हूँ आपको। तो ये जो ट्रेकिंग है आप नॉर्मली विंटर में कीजिए क्योंकि समर में क्या होता है समर में धूप के वजह से जो एक तो एकदम सुबह जाना चाहिए या तो फिर शाम को। बट शाम को तो इतना एडवाइजेबल नहीं रहता है ट्रेकिंग करना तो एक्चुअली सुबह ही जाना चाहिए। बट इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप विंटर में जो सब ट्रेकिंग अरेंज करते हैं इधर तो फिर आप एकदम एंजॉय करेंगे ट्रेकिंग। तो आप देखो अभी हम लोगों के लेफ्ट राइट सब जगह पे ग्रीनरी और पहाड़ी पहाड़ है। और ये पहाड़ में जब रेनी सीजन होता है ना तो यहाँ पे सब ऐसा छोटा छोटा वाटरफॉल्स होता है और सब जगह से ऐसा झरना वगैरह बहता है साइड में बहुत सारा ऐसा पानी। तो इट्स रियली ऑसम वी कैन से द व्यूज़ इन रेनी सीज़न एज वेल एज इन विंटर ऑल्सो। सो नाउ अभी तो रेनी सीज़न जस्ट ख़त्म हुआ है अभी तो विंटर चालू हो गया तो इसके लिए ग्रीनरी भी है और ज़्यादा धूप भी नहीं है और वी कैन से सब जो मिक्सचर ऑफ रेनी सीजन एंड विंटर सीजन तो ये मंथ में हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हम लोग जहाँ पे खाना खाने जा रहे तो वो एक अम्बोली विलेज के पास एक घरगुती टाइप का एक खाना बनाता है और उसका जो खाना है वो काफ़ी पॉपुलर है ऑल अराउंड। जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ से इवन आउटसाइड द नासिक या बाहर से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे खाना एक्सप्लोर करने आते हैं। और एकदम अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर भी मीन्स फैमिली मेंबर भी आते हैं तो वो एकदम वी कैन से द प्लीजेंट और डिसेंट एम्बियंस रहेगा वहाँ पर। ऑलरेडी मैं मेरे फैमिली के साथ एक बार वहाँ पर जा चुका हूँ
और मुझे बहुत पसंद आया, और उसका खाने का स्टाइल, वो एम्बियंस, तो जैसा कि अगर आप रेटिंग करेंगे 10 out of 10, तो रियली उसके खाने के लिए जो ये रहेगा व्हाट वी कैन से 10 out of 10 ही मैं रेटिंग दूंगा। एम्बियंस यार, यस एम्बियंस तो आप एकदम, मैं जैसा कि मैंने बोला है, वो घरगुती टाइप का है, तो यू नेवर एक्सपेक्ट लाइक होटल एकदम लग्जरियस रहेगा, एसी रहेगा या सब ऐसा रहेगा, बट रियली जो नेचुरल हवा है या जो गार्डन में, गार्डन भी नहीं बोल सकते, वो एक्चुअली उसका फार्म है, तो फार्म में खाना खाने का जो मज़ा है वो आप वहाँ पे ही ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो है, ये एक्सपीरियंस है, वो आप वहाँ पे या ऐसे ही टाइप के होटल में ले सकते हैं, तो इसके लिए ये एक्सपेक्ट मत किया। और दूसरी बात, जैसा कि मैं बताया कि वहाँ पे लास्ट टाइम मैं गया था, तो उनके पास खाने का बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं रहता, बोलो तो एकदम गावरानी फूड वो नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं, और जैसा कि अब हम लोग होटल में अलग अलग टाइप का चाइनीज ये वो सब, तो वो नहीं मिलेगा उधर। वहाँ पे आप जो फूड एंजॉय करेंगे ना, वो एकदम टिपिकल घरगुती स्टाइल का, गावरानी स्टाइल का ही है, और वही एक्सप्लोर करने के लिए और वही एंजॉय करने के लिए उधर जाना है। नॉर्मली हम लोग अभी जो जंक फूड खाते हैं या फिर चाइनीज खाते हैं, वो तो सब अपने जगह होटल में मिल जाता है, बट आप देख सकते हैं यार, ये जर्नी इटसेल्फ इज अ वीकेंड सिप। देखिए अभी अम्बोली विलेज आ गया है, और अम्बोली विलेज से जस्ट 1 किलोमीटर में ही उसका होटल है, तो चलो होटल में मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये डेस्टिनेशन आप देख लीजिए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शंकर के होम स्टे पे। ये वीकेंड से आपको अगर आना है यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने ये बोर्ड दिखाया है, यहाँ से हार्डली 500 किलोमीटर होम स्टे है। फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच गए, जैसा कि मैंने बताया, शंकर के होम स्टे पे। आप देख रहे हैं मेरे बैकड्रॉप में, ये शंकर का होम स्टे है, एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल प्लेस। जैसा कि मैंने बताया, ये जो होम स्टे है, ये नासिक से अराउंड 30 किलोमीटर है, और जवाहर रोड पे एक अम्बोली करके विलेज आता है। अम्बोली विलेज के बाद जस्ट 1 किलोमीटर पे ये इसका होम स्टे है, और ये जो होम स्टे है, ये अगर आप जवाहर जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ होम स्टे में, और आपको होम स्टे बोलो, इधर रहने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बट उनका खाने का है, और खाना जो प्रिपेयर करते हैं वो एकदम गावरानी स्टाइल में और कोकनी स्टाइल में। उसका बेसिकली खासियत जो हो वही है, कोकनी स्टाइल का, और एकदम वी कैन से द ऑर्गेनिक वन, जो स्पाइसेस वो यूज करता है या जो भी है नॉनवेज के लिए, तो उसका जो ये है एकदम गावरानी है। तो अभी मैं अंदर जाऊंगा, उसको होम स्टे का भी एक टूर देता हूँ, और हो सके तो मैं शंकर से भी आपका बात करवाऊंगा। तो ओके, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। तो ये होम स्टे का इनका ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये जो इनसाइड है, इनडोर सिटिंग अरेंजमेंट है, बट आप देखिए बाहर जो उसका सिटिंग अरेंजमेंट एकदम बढ़िया है। तो ये टोटली ये जो है, अभी आप देख रहे हैं इसका ये फार्म हाउस।
भी है यहाँ पे, तो ये फार्म हाउस में उनका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, तो यू कैन एंजॉय द फूड विथ एकदम डिलीशियस फूड विथ द नेचर। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे साथ जो आए हैं अभी मेरे फ्रेंड्स, तो उनके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में है योगेश साठे, देन हेमंत शिंदे और गिरीश कुलते। तो हम लोग चार जन यहाँ पे आए हैं। आप देखिए उनसे का नजर एकदम बढ़िया है, क्या मजा आ रहा है ये सब यहाँ पे। इट्स रियली नेचुरल ऑर्गेनिक फूड और फूड विद द यू कैन से द डिफरेंस, और इट इज वेरी नियर टू नासिक। जो भी है एक्चुअली ये नासिक के लोगों के लिए, बट नासिक में जो भी कोई आता है आउटसाइडर जैसा बॉम्बे या कहाँ से भी आता है, इट इज रियली अ नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर। तो आप देखिए नजारा यार, का नजारा एकदम ब्यूटीफुल गार्डन है और इसके अंदर खाना खाने का, वो भी गावरानी स्टाइल में, एकदम गावरानी बोले तो कोकनी स्टाइल। ये जो है ना, ये यहाँ से जो कोंकण करके जो एरिया है वो चालू होता है, और यहाँ का जो स्पेशलिटी है बेसिकली वो है राइस फ्लोर का भाकरी, तो अपन मराठी वी कैन कॉल इट एज अ तांदळाची भाकरी आणि नागलीची भाकरी। तो ह्या सगळ्या सब चीज इधर मिलता है। और आप देखिए इनका ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे, उनका ये भी है, ये कुछ दोस्तों आज का पहला डिश अंडा भुर्जी, गावरानी अंडे का भुर्जी, और जो भी है वो चूल्हे पे बनाया हुआ है। अभी मैं आपको चूल्हा भी दिखाता हूँ और शंकर से भी मिलवाता हूँ। तो ये हमारा डिश है, ये स्नैक्स है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एकदम आपको होटल जैसा सब कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मेक टू ऑर्डर है। इसके लिए आपको एडवांस में सब कुछ उसको बताना पड़ेगा, या हो सके तो आप खुद भी लेके आ सकते हैं, जैसा कि फिश लेके आ सकते हैं, या अगर आपको मीट चाहिए तो मीट भी लेके आ सकते हैं। तो ये है बस डिश, और अभी मैं आपको किचन की तरफ लेके जाता हूँ और किचन कैसा है उनका वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ शंकर के किचन में। अभी उसको हम लोग किचन नहीं बोलेंगे, किचन तो एक बहुत सोफेस्टिकेटेड वर्ड हो गया, गावरान लैंग्वेज में उसका स्वयंपाक घर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम गावरान वाला स्वयंपाक घर है यहाँ पे, और जो भी वो फूड बनाता है, कुक करता है, वो एक चूल्हे पे करता है। आप देखिए अभी उसने चूल्हा चालू किया है हमारे प्रिपरेशन के लिए, और ये जो है ये सब फिश का प्रिपरेशन अभी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं डीप का फिश प्रिपरेशन, और यहाँ पे वो कुछ ओनियन जो है उसको कट करके कुछ स्पाइसेस बना रहा हूँ यहाँ पे, एक जरिए शायद अंडा भुर्जी बना रहा है। और ये जो है ये है शंकर, तो शंकर भाई साहब तो शंकर भाई साहब आप कब से होटल चला रहे? 15 साल हो गए। होटल नहीं यार, एक्चुअली होम स्टे है, तो घरगुती खाना बड़े घरगुती बोल सकते हम लोग, होटल नहीं सॉरी। तो ये 15 साल से कर रहे शंकर, आप यहाँ पे क्या क्या देते हैं? और चिकन फ्राई बनाते हैं, मटन फ्राई बनाते हैं, मच्छी बनाते हैं, मच्छी फ्राई, मच्छी करी, खेकड़ा, अंडा भुर्जी, अंडा करी सब। और आपके पास क्या क्या अवेलेबल रहता है एक्चुअली? खाली गावची मुर्गी रहती है, बाकी सब लेके आना पड़ता है। ओके, तो इन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ गावरानी मुर्गी जो है वो अवेलेबल रहता है, और बाकी अगर आपको ये सब उसने बताया, अगर ये सब कुछ करना है तो आपको आपके पास लेके आना पड़ेगा। तो ये जो है प्रिपरेशन चल रहा है एकदम गावरानी स्टाइल में, इनका ये जो प्रिपरेशन है, और इनका टेस्ट जो मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने बताया कि मैं एक बार आ चुका हूँ। तो अभी ये जो है ये प्रिपरेशन देखिए, जो है ये फिश का प्रिपरेशन चल रहा है, और यहाँ पे ये जो उन्होंने चूल्हा जलाया है, तो जो भी फूड्स बनता है ये सब ये चूल्हे पे बनता है, तो जो उसको एकदम गावरानी टच रहता है ना, वो सब ये चूल्हे के वजह से आता है। तो इसके साथ साथ मैं अभी जब वो भाकरी बनाएगा राइस फ्लोर का भाकरी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिर अभी थोड़ा सा उनको प्रिपरेशन के लिए हम लोग समय देते हैं, और शंकर भाई को बोलते हैं कि अगर वो जब भाकरी बनाएगा और सब्जी बनाएगा तो हमको वापस दिखा दे। शंकर ओके, थैंक यू। ओके ओके सर, ओके। और अब ये शंकर का जो होम स्टे है, या जो अपन बोल सकते हैं घरगुती जो फूड बनाता है, उसके ये जो बाहर का नयन रूम में नयन रम्य दृश्य आप देखिए, मेरे पीछे एकदम जंगल जैसा है।
आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो जंगल। तो आप देखिए यार, एकदम बढ़िया सीनिक व्यू है और यहाँ पे खाना खाने का मजा ही कुछ और है। शंकर का नंबर मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो पहले उसको फोन करके ही आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको फोन करके ही आना, तो सो दैट वो प्रिपरेशन के लिए रेडी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये होटल नहीं है, ये घरगुटी है, तो उसको प्रिपरेशन के लिए हमको वक्त देना पड़ता है, तो इसके लिए पहले फोन करके आना। अभी राइस पक रहा है और इसके बाद होगा सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड डिश आया है, फिश फ्राई। आप देखिए एकदम बढ़िया बना है, दावराणी स्टाइल फिश फ्राई। ये हम लोग लेके आए थे पॉपलेट और हम लोगों ने उनको बनाने के लिए दिया है, तो एकदम बड़ी। फ्रेंड्स, अभी ये चीज जो हम लोग ट्राई कर चुके हैं और इसका टेस्ट जो है एकदम बढ़िया डिलीशियस है। आप देख सकते हैं इसमें उसके ऊपर है ना ये सीसम, जो मराठी में तिल बोलते हैं, वो डाला है। नॉर्मली वो आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, बट इसमें जो डाला है उसके वजह से जो टेस्ट है फिश फ्राई का वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम निखार गया है ऐसा टेस्ट है उसका, तो एकदम बढ़िया टेस्ट है ये फिश फ्राई का। तो चलो अभी हम लोग फिश फ्राई ट्राई करते हैं और अभी जो दूसरा डिश आएगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखिए, शंकर जो है ये एकदम हमारा चिकन जो है वो चूल्हे पे बना रहा है। आप देखिए एकदम बढ़िया, उसमें गावरानी स्पाइसेस और जो कोकनी स्टाइल का जो बोलते हैं हम लोग वो डाल रहे हैं, पूरा काला मसाला। शंकर ये कैसा बना है, कौन सा मसाला डाला है इसके अंदर? इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, लाल चिकन डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ डाल के नहीं बना के उसमें चिकन छोड़ दिया। देखिए भाई, शंकर ने तो एकदम पूरा रेसिपी आप लोगों को बता दिया है। अभी ये खाने के बाद जो मजा आएगा ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का मजा रहेगा, क्योंकि अभी ये जो चूल्हे पे बन रहा है चिकन वो भी गावरानी चिकन और उसके अंदर गावरानी स्पाइसेस, तो एकदम बढ़िया मजा आने वाला है। शंकर अभी आपको सर्व कर दो जरा, फटाफट। शंकर बहुत भूख लगा यार आपको। ओके, खाना खाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख दिखाता हूँ। ये जो रोड है ये है जवाहर जाने के लिए, यहाँ से आप डायरेक्टली मुंबई भी जा सकते हैं और अगेन आगे जाके जवाहर से आप लोग दमन भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही वी कैन से क्राउडेड रोड है और यहाँ से जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो काफ़ी नज़दीक नज़दीक है। आप जवाहर अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक दाभोसा करके वाटरफॉल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो एक बात बोल रहा हूँ यार, खाना खाने के लिए ऐसे जगह पे आना बोलो तो एक एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। और जो एक्सपीरियंस मैं आप, आज संडे है और संडे के दिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यूनिक एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड के साथ, तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी यहाँ पे आ जाइए और ये यूनिक एक्सपीरियंस जो है आप एंजॉय कीजिए। बट द ओनली थिंग इज रिक्वेस्ट इज दैट कि ओनली फूड एंजॉय, समझ गए ना आप? तो रिस्पेक्ट शंकर फूड, तो आप रियली एंजॉय करेंगे। तो आप देखिए यार, ये जो है ये पूरा जो है ये पूरा रोड है और ये पूरा ग्रीनरी। तो यार ये दोनों शंकर बहुत के, शंकर बहुत लड़के क्या? नहीं फिर आप क्या करते इधर? पाउने? अरे यार दिवाली के लिए आए ये बच्चे लोग, पाउने है इधर, पाउने बोले तो देर। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा रे? तुम था तुम का वेरी गुड। भाकरी की भाकरी और चूल्हा पूरे स्पेशल मेनू, और उसके बाद बनने वाला है राइस का भाकरी। पे अपना शंकर बहुत थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना ग्रेवी को जरा थोड़ा सा बना रहे दूसरे जगह पे। देखो अपना बोम्बिल फ्राई, बोम्बिल फ्राई चल रहा है।
आज का जो मेन्यू होने वाला है एकदम बढ़िया और एकदम तगड़ा होने वाला है। होगी फ्राई चिकन ग्रेवी और उसके साथ ही अपना बाजरे का भाकरी। आपको बोम्बिल दिखाया था मैंने, अभी बोम्बिल फ्राई जो हो रहा था उधर, तो हमारे खाने के लिए आ गया है, तो अभी थोड़ी देर में हमारे पेट में भी आएगा। चलो ये बोम्बिल फ्राई, और उसके ऊपर उसने शीशम जो है जो मतलब व्हाइट कलर का शीशम हो जाता है, जिसके वजह से जो टेस्ट है उसको एकदम चार चांद लग जाता है। और इसका जो मसाला है या जो स्पाइस है एकदम अलग टाइप का है, इट्स नॉट लाइक व्हाट वी आर गेटिंग इन रेगुलर होटल। ये थोड़ा स्पाइसी है, जरूर थोड़ा स्पाइसी है, बट स्पाइसी के अगर स्पाइसी नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो रियल इट्स अ गुड टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ गेस्ट लोगों से मिला हूँ, मैं जब उसके साथ बातचीत कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक जो गेस्ट है ये बॉम्बे से आए हैं एंड समबडी फ्रॉम नासिक, और ये यहाँ पे इसके लिए आए कि यहाँ पे उनका जो खाने का टेस्ट है इन लोगों को बहुत पसंद है। अभी देखिए यहाँ पे उन लोगों ने ये मंगा है चिकन ग्रेवी, तो अभी मैं इनका रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कहाँ से है वो बताइए। लक्ष्मण जांगी, मैं भिवंडी से हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया है। यहाँ चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा है और पूरा घर रुती बना हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, खाली घर के बने हुए मसाले से बना हुआ बहुत अच्छा चिकन है, तो वही टेस्ट करने में इधर आया हूँ। थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, चेतन सिंह मुंबई से है, और अच्छा लगा होममेड चिकन खा के देसी टाइप, और अभी उम्मीद करते हैं इसमें और टेस्ट अच्छा निकले। यस यस, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड टेस्ट ऑफ दैट। आपका इंट्रोडक्शन फ्रेंड। हेलो, मैं हूँ कुणाल शिंदे, मैं नासिक से ही हूँ, काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे बॉम्बे से, तो उनको ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड खाना था, इसलिए मैंने रिकमेंड किया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट है, तो सबने टेस्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं संतोष राव, मैं मुंबई से हूँ, और मैं बस कुणाल को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमें इस जगह पे लेके आए जहाँ इतना बढ़िया खाना। मैं किरण कदम, आई एम फ्रॉम नासिक ओनली, मैं यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन थैंक्स टू कुणाल, उसने हमको इतना अच्छा होममेड चिकन टेस्ट करवाया है। दिस इज सो फार बेस्ट चिकन, होममेड चिकन आई हैव एवर टेस्टेड। ओके, आप नासिक में क्या करते हैं? दोनों नासिक से आप क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ और कुणाल भी आर्किटेक्ट है। अरे वेरी नाइस, सो यू आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग। यस, सो गुड थिंग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिव्यू एंड रिकमेंडेशन। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड, अभी ये राइस फ्लोर का जो रोटी है वो बनाने का प्रोसीजर चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये राइस फ्लोर है, और इसका खासियत ये है कि राइस फ्लोर जो है वो व्हाट वी कैन से जो मिक्स करते हैं उसके लिए ठंडा पानी यूज़ नहीं करते। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने गर्म पानी लाया, गर्म पानी के अंदर जो उसका टेस्ट है वो एकदम चार टाइम बढ़ जाता है। और आप देख रहे हैं ये जो पापड़ भी जो है ना एकदम चूल्हे के ऊपर बना रहे, इसका जो टेस्ट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि राइस भाकरी बनाने का प्रक्रिया। अभी ये पानी डाला है उसको थोड़े से भूनेंगे, तो अभी आप देखिए उसका जो, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो राइस फ्लोर है एकदम होमोजेनियस मिक्स हो गया है। अभी जो आगे का जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग है वो अभी चालू हो रहा है, जिसको बोलते हैं भाकरी बनाना। तो ये एकदम स्पेशल स्किल है, ये हर कोई नहीं बना सकता है, तो उसके लिए एकदम स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है। तो देखिए यार इनका प्रोसेस, और उसके बाद जो खाने का जो मजा आता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। यहाँ से चूल्हे के ऊपर ट्रांसफर करेगा फॉर द बेकिंग पर्पस। अभी ये जो स्किल है ना, ये नॉर्मली कोई भी इसको नहीं बना सकता है, इसके लिए मैंने जैसे बताया कि बहुत ही स्पेशल स्किल की जरूरत है, अदरवाइज ये जो है भाकरी फट जाता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया।
उनको अभी थोड़ा सा हमको ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हॉट चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये जो है गैस पे ये जो सूप है वो एकदम प्योरली वो चूल्हे के ऊपर बना है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये करी, चिकन करी, देखिए आप इसका टेक्सचर जो है ना, टेक्सचर एकदम जबरदस्त है। तो आप देख सकते हैं इसका खाने का टेस्ट क्या होगा। तो अभी ये हमारे टेबल के ऊपर आ जाएगा, तो मैं आपको अभी टेबल के ऊपर उनको दिखाता हूँ। तो वैसा देखिए अभी ये दूसरे जगह पे ये जो हमारा रोटी है वो अभी बेक हो रहा है, और ये देखो ये हमारे लिए अभी ये सूप रेडी हो गए। ये है पूरा चूल्हे के ऊपर बना हुआ सूप, इसका जो टेस्ट रहेगा ना वो एकदम अलग ही रहेगा, जो टेस्ट आप होटल में नहीं ले सकते, वो तो सिर्फ शंकर के यहाँ ही आपको ये टेस्ट मिलेगा। देख रहे हैं यार ये जो रोटी है ना एकदम ऐसा फूल रहा है, जो नॉर्मली हम लोग जब घर पे बनाते हैं गैस के ऊपर तो ये ऐसा होता नहीं है, फूलता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्पॉन्जी और एकदम टिकड़ू का रखा हुआ है। तो अभी ये जो स्पेशल प्रोसेस है ये राइस या कोई भी भाकरी के ऊपर जिसको बोलते हैं वो इसके ऊपर सेकना, जो अभी तवे से निकला है और अभी डायरेक्ट ये वुड फायर के ऊपर उसको बना रहे, तो दिस इज द प्रोसेस और जिसके वजह से एकदम अल्टीमेट टेस्ट आता है। चलो फ्रेंड्स, तो अभी मिलते हैं खाने के टेबल के ऊपर। तो फ्रेंड अभी हमारा खाने का तैयारी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बैठे एकदम गार्डन में, और ये जो व्यू है आप देख रहे हैं यहाँ पे रियली वी कैन से इनसाइड द फॉरेस्ट, खाना खाने का जो मजा है वो आ रहा है। मेरे साथ में बैठा है हेमंत और उधर है योगेश, और ये गिरीश और योगेश, तो दोनों साथ में बैठे, हम दोनों यहाँ पे बैठे। अभी हमारा थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी प्रिपरेशन आपको दिखाया है कि वहाँ पे हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है राइस फ्लोर का रोटी और दूसरा है बाजरे का रोटी, तो दोनों चीज बहुत पॉपुलर है ये जो रीजन है यहाँ पे। बट राइस का मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है दिस इज द सम सॉर्ट ऑफ कोंकण एरिया, तो यहाँ पे राइस का जो प्रोडक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो नॉर्मली ये लोगों का जो खाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो राइस ही है, तो इसके लिए ये जो लोग है राइस को बहुत अच्छा प्रमोट होता है यहाँ पे और बहुत अच्छा उसका प्रिपरेशन भी होता है। और यहाँ का जो राइस है वो इंद्रायणी करके वो काफ़ी फेमस है, उसका लगभग जो कीमत है वो 50 रुपीज़ पर केजी है, बट उसका टेस्ट जो है वो एकदम अल्टीमेट टेस्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लोग जहाँ पे बैठे हैं उसके आजू बाजू का व्यू, तो आप देखिए यार ये एकदम जो बैठे हैं, मैंने ये पहले भी आपको व्यू दिखाया, बट अभी हम लोग हमारा खाना अभी चालू कर रहे हैं और मैं अपना अभी दिखाता हूँ कि ये देखो ये हमारे यहाँ पे टेबल लगा है खाना खाने के लिए, और अभी हम लोग थोड़ी देर में अभी हमारा खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा अभी खाना आ रहा है और जैसे ही खाना आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हमारा खाना जो है मेन कोर्स वो आना चालू हो गया है, और आप देख सकते हैं जो सूप मैंने आपको अंदर दिखाया था प्रिपरेशन होते हुए ये जो हमारे टेबल पे आया है, और आप देख सकते हैं उसका टेक्सचर एकदम जैसा घर में हम लोग बनाते हैं वैसा है, येलोइश टेक्सचर, और उसके अंदर जो धनिया है उसका फ्लेवर है, और ये जो है ये अभी चिकन सॉरी मटन जो है हमारा वो ग्रेवी के साथ, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम जबरदस्त है विथ फेमस महाराष्ट्रियन मसाला ब्लैक ग्रेवी। तो ये मटन है, ये आया है अभी हमारा सूप, और अभी आएगा रोटी, तो अभी हम लोग हमारा खाना चालू करेंगे। और अभी आप देखिए यार एकदम हमारे खाने के टेबल के बाजू में ये जो है मोगरा, अभी इसको मराठी में तो भी मोगरा बोलते हैं, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं वो पता नहीं है, बट इसका ये जो है वो प्लांट है, और खाने के टेबल के साथ एकदम नेचुरल मोगरे का प्लांट बोले तो वी कैन से खाने पे सुहागा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा एकदम फुल प्लेज में अभी मेन कोर्स आ चुका है, आप देख रहे हैं मेरे इसके अंदर ये राइस का रोटी है
यहाँ पे है बाजरे का रोटी, ये जो उन्होंने कुछ उनका होममेड सलाड है, होममेड इन द सेंस उनके खुद के खेती में ये जो सब टमाटर है, प्याज है या जो भी नींबू है, सब यहाँ से ही वो क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करते हैं। तो यही है, अब देखिए यहाँ पे ये जब सब ग्रेवी, और ये अभी हम लोग खाना परोस रहे हैं। तो चलो फ्रेंड, मेरे प्लेट में अभी खाना तो आ गया, मैं थोड़ा सा नींबू और प्याज लेता हूँ और अभी मैं खाने को टेस्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यार मैं अभी ये जो खाना है इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ टेस्ट करूँगा। तो अभी ये मैंने लिया है। हाँ यार, ये जो खाने का है ना, इसका टेस्ट अभी हाल ही में जो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने देखा होगा कि मैं अभी ताड़ोबा गया था, और ताड़ोबा से आते टाइम मैंने नागपुर विजिट किया था। तो नागपुर में बहुत ही फेमस नॉनवेज के लिए है, वो है सावजी रेस्टोरेंट या सावजी खानावड़, नॉट रेस्टोरेंट, खानावड़। तो सावजी खानावड़ में जो लेवल का मुझे खाना मिला था या जो टेस्ट, अल्टीमेटली यार सावजी का खाना तो एकदम अल्टीमेट था, बट जो लेवल का खाना सावजी में मिला था वही लेवल का अभी ये जो है ये टेस्ट है। तो इसका मतलब अभी आप लोगों को अगर खाना है टेस्टी तो नागपुर जाना नहीं पड़ेगा, आपको नासिक में ही सावजी का टेस्ट मिलेगा। तो चलो फ्रेंड, अभी मैं ये जो मेरा खाना है आप देख रहे हैं, तो ये खाना मैं फिनिश करता हूँ और खाने होने के बाद मैं आपसे वापस मिलता हूँ। तो योगेश, कैसा है टेस्ट? बहुत बेस्ट, अल्टीमेट बेस्ट। हेमंता, व्हाट इज योर ओपिनियन? एकदम बेस्ट बेस्ट। और सबसे सीनियर हमारे गिरीश जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आया कि नहीं? नाइस, बहुत मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड, अभी मैं खाना फिनिश करता हूँ और खाना फिनिश होने के बाद मैं आपसे वापस मिलता हूँ। तो फ्रेंड, अभी ये जो है राइस आप देख रहे हैं, एक्चुअली राइस खाने की तो हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं, बट आपको दिखाने के लिए मैंने ये राइस मंगाया है। ये स्पेशल जो इंद्रायणी मैंने आपको बोला है, ये चावल का ये राइस है, और इसका खासियत है इसको खुशबू बहुत बढ़िया आता है, और ये राइस जो है ना एकदम ऐसा ये रहता है, क्या बोलते हैं, स्टिकी रहता है। यस, स्टिकी, राइट वर्ड इज स्टिकी। और खाने में अगर ये देखेंगे ना, इसका जो एंजॉय है वो बासमती राइस में भी नहीं है। तो देख लीजिए, आप भी यहाँ पे आके जो इंद्रायणी राइस है वो एंजॉय कर सकते हैं, और ये जो राइस है जो इनके ही खेत में प्रोड्यूस हुआ है। फ्रेंड, अभी हमारा खाना हो चुका है, बहुत ही बढ़िया खाना था जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अभी हम लोग वो शंकर का जो होम स्टे है उधर से हम लोग बाहर आ रहे हैं, और अभी बढ़िया खाना खाने के बाद हम लोग अभी प्रस्थान कर रहे हैं नासिक की ओर। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो आपने ये जो फूड व्लॉग था मेरा, एक थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट था, वो आपने तो डेफिनेटली इन्जॉय किया रहेगा, और ऐसा ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेरे सब्सक्राइबर मिले, तो आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम? डीके गौड़ी। डीके गौड़ी, आप कहाँ से है? आप विंसूर गौड़ी से। विंसूर गौड़ी से, अरे ये तो हमारे गांव वाले निकले। और नासिक सिन्नर। नासिक सिन्नर, आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल, अनिल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। आज का ब्लॉग अभी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।